हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी साग की रेसिपी, जो हम झट से बनाने वाले हैं और पारंपरिक तरीके से बनाने वाले हैं, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा साग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो यहाँ पर ली है मैंने दो सरसों की गुच्छी और एक मेथी की और एक पालक की। तो अगर डबल आप ले तो एक गुच्छी पालक मेथी की ले, अगर एक गुच्छी आप सरसों की ले तो आधी आधी कर ले। तो इस तरह से हमने ये साग को अच्छे से धो लिया था। तो ये मेरे पास दरात है, मैं चाकू का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो पीछे का भाग है वो मैं कट कर दूँगी। पहले मैंने अच्छे से साग को वॉश कर लिया था, बिल्कुल साफ़ कर लिया, जो इसके अंदर कुछ भी कचरा है या फिर वैसे कोई पीले इसके वे है, वे सब मैंने हटा दिए। तो बिल्कुल ताज़ा साग है, आज ही हम लाए थे और आज ही मैं इसको बनाने जा रही हूँ। पूरे साग को मैं इसी तरह से इससे कट कर लूँगी। दराज से क्या होता है, साग बहुत जल्दी कट जाता है, तो मैं दराज का ही यूज करती हूँ। तो सभी पूरे साग को मैं इस तरह से ही कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारे साग को अच्छे से काट लिया है और एक कुकर में भर लिया है। तो करीब हमारा पूरा 5 लीटर का ये कुकर भर चुका है। मेरे घर में साग बहुत अच्छे से खाते हैं बच्चे और बड़े सभी, तो ये काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। तो नमक डालें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें करीब हम डालेंगे 3 ग्लास पानी। तो 1 ग्लास डाला है हमने और 2 ग्लास और ऐड कर देती हूँ, दूसरा ग्लास और तीसरा ग्लास। अभी इसको बंद करके हमें करीब 5 सीटी लगवानी है। साग को बॉईल करना में ही टाइम लगता है, और साग जब बनता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ 4 से 5 सीटी मुझे इसमें लगवानी है और लग चुकी है। तो अभी थोड़ा सा गैस निकल चुका है, तो इस तरह का हमारा ये साग बनने के बाद, बॉईल होने के बाद इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल गल जाना चाहिए। आप भी अपने हाथों से थोड़ा सा देख ले, बिल्कुल मैसी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं घोटना लूँगी, आप चाहे तो घोटने से इसको घोट सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह जो ग्राइंडर होता है उससे भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर घोटने से घोटकर हम इस साग को बनाएंगे ना, तो बिल्कुल वही टेक्स्चर आएगा जो पारंपरिक तरीके से साग बनता है। क्योंकि मेरे पास हंडिया नहीं है, अगर हंडिया में बनाया जाए साग जो मिट्टी के पोट होते हैं, तो और भी कमाली टेक्स्चर आता है। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से घोट लिया है, इस तरह का हमारा टेक्स्चर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमने मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, अभी हमें इसमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस साग को मैं साइड में कर देती हूँ। 1 कप लिया है मैंने मक्का का आटा, कॉर्नफ्लोर आटा लेना है इसमें। तो इससे हम इसमें आलन देंगे, और इसमें थोड़ा पानी जो हम डालेंगे वो गुनगुना डालेंगे, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो साग में जो टेक्सचर है वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो करीब 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो 1 कप पानी और मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो करीब हमारा 2.5 किलो के करीब साग था, तो इसमें हमने 1.25 कप के करीब ये मक्का का आटा लिया है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे घुमाते हुए स्पून से। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। करीब 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से घुल जाता है, बिल्कुल लिक्विडी हम इसका घोल बना लेंगे। और अब हम इसे कुकर में डाल देंगे, और डालने के बाद इस तरह से चला देंगे, और करीब 2 ग्लास पानी और हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन पानी ध्यान रहे दोस्तों, ठंडा बिल्कुल ऐड ना करें, गर्म करें, क्योंकि ठंडा अगर ऐड कर दिया आपने तो इसका जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें टेस्ट वो नहीं आएगा जो साग में हमें चाहिए। और करीब 30 मिनट हम इसे फिर बॉईल करेंगे, लेकिन बॉईल करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि इसे चलाते रहना है। अभी अगर आपने चला कर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये अंदर से लग जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसको बीच बीच में चलाते रहें,
तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर रखा है क्योंकि मैं यहीं पे खड़े होकर ये काम कर रही हूँ। नहीं तो अगर आपको कुछ और वर्क करना है तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पर कर दे। धीरे धीरे से ये जब पकेगा तो और भी ज़्यादा बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। और बीच बीच में चलाते रहिए। तो यहाँ पे मैंने तो हाई फ्लेम पर कर रखा है तो फटाफट से ये बॉईल हो रहा है, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि साग पकने में टाइम लगता है, एकदम साग नहीं बनता है दोस्तों, और तभी साग में वो टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे और तड़के की अपनी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिया है करीब मैंने 1 स्पून घी। साग को हम जो है हमें तड़का देसी घी में ही लगाना चाहिए, इससे फ्लेवर भी उभर कर आता है और साग बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इधर मैंने दूसरे उस पर रख दिया है गैस पर, तो उधर हम इसको साग को चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट हमारे साग को चलते हुए हो गया है, तो पहले से वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो 1 स्पून डालेंगे जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे, तो हल्के से चलाते हुए। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इस तड़के को तैयार नहीं करेंगे। और इसके साथ डाला है हमने लहसुन की कलियाँ, करीब 1 जो गुच्छा होता है वो मैंने पूरा ही कट कर लिया है, बारीक बारीक छील कर। और 4 से 5 मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च साबुत, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर उभर कर आता है। आपने कभी ढाबे में खाया होगा साग तो सेम वो इसी टेक्सचर से ही बनाते हैं। और 1 स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। 1 स्पून डाला है हमने धनिया पाउडर, और अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर रखना है, मसालों को अच्छे से भूनना है, जलने नहीं देना है। अगर जल गए तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा बिल्कुल ही। तो धीरे धीरे से आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा ये साग भी बॉईल हो चुका है। वाओ, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दूँगी और जो मैंने तड़का तैयार किया है उसके अंदर हम अभी ये साग डालेंगे। लेकिन साग आपको इस तरह से डालना है जिससे कि इसकी खुशबू ना निकले। और आधा पिंच 1 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग डाला है। हींग बहुत ज़रूरी होता है साग के अंदर डाइजेस्ट के लिए। तो यहाँ पे इसे हटा लेते, एक प्लेट कर लेते तैयार। अभी ऐसे डाल के और इसको ढक देंगे करीब 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो तड़के की महक है वो साग के अंदर ही रह जाएगी और बहुत ही कमाल का साग का टेक्सचर उभर कर आएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अभी जो हमें जितना साग हमें खाना है उतना मैं ये तड़का डाल लूँगी और एक्स्ट्रा को हम उसी में कुकर में ही रहने देंगे। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देंगे, फिर जब ज़रूरत पड़े तब फिर दोबारा ऐसे ही तड़का लगा ले। तो इस तरह से जो साग है बहुत ही बेहतरीन टेक्सचर वाला बनता है, सेम वो ही टेस्ट आएगा इसका ढाबों वाला, जो आपको काफ़ी भाता होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है साग। तो मैं हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ, मेरे बच्चे इसको बड़े ही शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा साग बिल्कुल रेडी। वाओ, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और काफ़ी अच्छे से खुशबू उठी हुई है इसके तड़के की। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा साग तैयार, इसको मक्का की रोटी के साथ खाएं। मैंने मक्का की रोटी की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से बनाएं, एंजॉय कीजिए। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा साग रेडी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।